हेलो फ्रेंड्स, मैं अनामिका, मेरे किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं दही सैंडविच बनाने जा रही हूँ। दही सैंडविच बनाना बहुत ही आसान है और ये बड़ा ही टेस्टी डिश है। ये हम दही सैंडविच बनाना शुरू करते हैं। दही सैंडविच बनाने के लिए हमने जो इंग्रेडिएंट्स लिया है वो है 6 ब्रेड, बटर, हंग दही, ककुम्बर जिसे हमने ग्रेट कर लिया है, कैबेज इसे भी ग्रेट कर लिया है, ओनियन, कैरेट, ब्लैक पेपर, धनिया पत्ता, सॉल्ट, ऑरिगेनो। अब हम एक बाउल लेंगे और उसमें सारे सब्जी को हम डाल देंगे। तो ये अपना एक बड़ा सा गाजर जो हमने घिस लिया है, आधा ओनियन को हमने घिस लिया है, कैबेज जिसे हमने घिस के रख लिया है, धनिया पत्ता जिसे हमने बारीक काट लिया है, ककुम्बर जिसे हमने ग्रेटेड कर लिया है। अब इसमें हम डालेंगे दही, ये अपनी आधी कटोरी दही है। इसमें हम डालेंगे ब्लैक पेपर, तो हम आधा चम्मच ब्लैक पेपर डालेंगे। स्वाद के अनुसार हम नमक डालेंगे और आधा चम्मच ओरिगेनो डालेंगे। अब हम इसे अच्छे से फेंट लेंगे और एक अच्छा सा स्मूदी मिक्सर तैयार करेंगे। आप देख सकते हैं सारे वेजिटेबल का एक अच्छा सा स्मूथ मिक्सचर तैयार हो गया है। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस शुरू करेंगे। तो अब हम एक प्लेट लेंगे और उसमें अपने ब्रेड को ऐसे फैला देंगे और एक स्पून की मदद से इस पे अपना स्टफिंग डाल देंगे। आप अपने मनपसंद सब्जी इसमें डाल सकते हैं। तो ऐसे हम कोने कोने पे मिक्सचर फैला लेंगे। तो ऐसे हमने 3 ब्रेड पे मिक्सचर को फैला दिया है। ऐसे हमने इसे दबा दबा के अच्छे से कोने कोने तक फैला दिया है। अब हम इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा चीज ग्रेट कर देंगे। अब हम दूसरे ब्रेड से इसे कवर कर लेंगे। तो ऐसे हल्का सा प्रेस करके हम इसे कवर कर लेंगे। तो चलिए हम गैस की तरफ चलते हैं। तो गैस पे हम एक पैन लेंगे और गैस को ऑन कर लेंगे। अब हम इस पे 1 चम्मच बटर को ऐसे फैला देंगे। बटर को हम ऐसे चम्मच से फैला देंगे। अब हम इसके ऊपर अपना ब्रेड डालेंगे। तो हम तीनों ब्रेड साथ में डाल रहे हैं। और मीडियम गैस पे हम इसे ब्राउन होने तक एक साइड से सेकेंगे। अब हम ऊपर की साइड भी थोड़ा थोड़ा बटर लगा लेंगे। बटर से बड़ा ही क्रिस्पी तैयार होता है अपना सैंडविच।
थोड़ा थोड़ा बटर हम सारे ब्रेड पर ऐसे लगा लेंगे। अब हम इसे चेक करेंगे, तो आप देख सकते हैं इधर से अपना बहुत ही सुनहरा गोल्डन ब्राउन ब्रेड बनकर तैयार है। तो ऐसे हम सारे ब्रेड को टर्न कर लेंगे, आराम आराम से सारे ब्रेड को टर्न कर लेंगे और ऐसे ही हम दूसरे साइड से भी सेक लेंगे। इस स्टेज पर हम बर्नर को मीडियम टू लो रखेंगे। अब आप देख लीजिए इधर से भी अपना ब्रेड ब्राउन हो चुका है। तो अब हम एक प्लेट लेंगे और इसको आराम आराम से ऐसे प्लेट में निकाल लेंगे। आराम आराम से हम एक एक सैंडविच को प्लेट में निकाल लेंगे और गैस के फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे। अब हम एक नाइफ के सहारे सैंडविच को ऐसे काट देंगे। सैंडविच को हम ऐसे दोनों पॉइंट को दबा के और काट देंगे। तो आप देख रहे हैं अपना क्रिस्पी सैंडविच तैयार है। अब हम एक सर्विंग प्लेट लेंगे। तो ये प्लेट है, अब हम इसे सर्व करेंगे। तो हम एक एक सैंडविच को ऐसे सजा के रख लेंगे। आप देख सकते हैं कितना क्रिस्पी सैंडविच तैयार हुआ है। इसे आप चाहें तो ग्रिल भी कर सकते हैं। दही का सैंडविच बनकर तैयार है। ये बड़ा ही टेस्टी तैयार हुआ है। इसे आप स्नैक्स के रूप में, ब्रेकफास्ट के रूप में कभी भी बना सकते हैं। तो इसे आप भी बनाइए और टेस्ट कीजिए। और ये मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद।